अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह जी और यहां उपस्थित मंच पे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष, आप सभी को सादर प्रणाम, चरण वंदन। यहां उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, माता बहने, आप सभी को चरण स्पर्श चरण वंदन। आदरणीय 28 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके बीच में लोकसभा उम्मीदवार बनाकर भेजा है। आज तक जीवन में न पंच का, न सरपंच का, न पंचायती का, न विधायकी का कोई चुनाव लड़ा हूं। यह मेरे जीवन का पहला चुनाव है और पहला चुनाव मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आपके पीछे भेजा है। वो जिम्मेदारी यह है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी भिंडतिया लोकसभा क्षेत्र पे संसदीय सीट पर उनका कब्जा है, लेकिन 30 साल में विकास के नाम पे आप देखोगे तो भिंडतिया लोकसभा का क्षेत्र बहुत पीछे पिछड़ गया है। 30 साल से भिंडतिया लोकसभा क्षेत्र में आपने देखा है कि यहां के सांसद की आवाज आपने कभी संसद में सुनी नहीं। क्षेत्र में पलायन इतना बड़ा मुद्दा है कि गांव के गांव आज खाली पड़े हैं। युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए महानगरों पे जाना पड़ता है। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में एक युवा प्रत्याशी को इसलिए भेजा है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी जो कि यथास्थिति पर निर्भर करती है और एक धरने की राजनीति करती है, जिसमें आप 5 साल भले कुछ मत करिए पर 10 दिन के लिए आप आइए, धन बल का प्रयोग कीजिए, बाहुबल का प्रयोग कीजिए, आप अफवाहें फैलाइए, अफवाहों का बाजार गर्म करिए और चुनाव जीतिए। वही कांग्रेस पार्टी नीतियों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। हमने पूरा चुनाव कैंपेन जो किया है वो इस बात पर कैंपेन किया है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां क्या है, कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करना चाहती है, आपका प्रत्याशी आपके लिए क्या कर सकता है, उसकी क्या नीतियां हैं, और जनता के बीच में जाके हम वो नीतियां आपको बता रहे हैं। आदरणीय साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी बदलाव चाहती है। मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद यह है, क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? हाथ जोड़कर एक बार बताएं, कौन परिवर्तन चाहता है? आदरणीय साथियों, सम्मानित बंदियों, तो यह चुनाव परिवर्तन के लिए चुनाव है। यह चुनाव भिंडतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक नए अध्याय का चुनाव है। यह चुनाव आप सबकी सेवा के लिए चुनाव है। अगर आप बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन यहां बैठे, हम यकीन दिलाते हैं कि 30 साल से अगर आपने भिंडतिया लोकसभा क्षेत्र की आवाज संसद में नहीं सुनी तो आपकी आवाज संसद में गूंजेगी, आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं संसद में आवाज बनेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे और आपके बीच में आपके मुद्दों को विकास के रूप में लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दुष्प्रचार कर रही है, केवल दुष्प्रचार में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा ही चुनाव वो भिंडतिया लोकसभा क्षेत्र में भी लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी भी दुष्प्रचार में, भ्रामक प्रचार में नहीं आना है, मुद्दों को भटकने नहीं देना है, मुद्दों पे अड़िग रहिए, मुद्दों से ही जनता का विकास और आपका विकास होगा। और आप इस बेटे को 30 साल भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है, आप सभी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि एक बार कांग्रेस की नीतियों पर भी विश्वास कीजिए, एक बार इस बेटे पर भी विश्वास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।